मैं यहाँ एक आन स्टिच एक कुर्ती के ऊपर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे इस तरीके की कोई कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आर्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रख के इसके ऊपर पेंट करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो आप फ्रेम का ज़रूर यूज़ करें, बैक साइड पर कलर बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके लिए, इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। पेंसिल से मार्क करें, एकदम लाइट करके मार्क करें और स्केल का यूज़ करें। मेरे पास हमेशा स्केल की कमी रहती है, पता नहीं कहाँ पर रहते हैं। तो दोनों साइड पे इस तरीके से मार्क करना है, दोनों इक्वल होना चाहिए। और हमारी दोनों साइड पे मार्क होने के बाद अब नीचे इस तरीके से मार्क करना है। और ये जो जो सर्कल टाइप की ये जो मिरर है, इसको मार्केट में बहुत ईजीली आपको मिल जाएगी। मैंने लोकल स्टेशनरी शॉप से लिया है। और इसको लगाने के लिए मैं यह फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये फेब्रिक्रिल की है, ये भी मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो वो जो हमने पहले मार्क की थी ना, उसके अंदर ही इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू आपको यूज़ करके उसके ऊपर ये मिरर को आपको इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, बस हो जाएगी। कुछ टाइम इसको इस तरीके से रख दीजिए, ये थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगी अच्छे से। तो इस तरीके से आपको सारे मिरर को पहले लगाना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन, आप कोई भी ड्रेस के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी टाइप की वर्क चाहते हैं नेक के ऊपर, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये स्पेशली मैं दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो इसके लिए मैं यह 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये तो स्टिकर इसकी उठ गई है, ऊपर की जो होती है ये कैमल की है, बट आप फेब्रिक्रिल की यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें साइड पे पहले इस तरीके से सर्कल करना है। आप चाहे तो, अगर आपके पास ये 3D आउटलाइनर नहीं है, तो आप राउंड ब्रश से और फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर से आप इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं, 0 नंबर राउंड ब्रश से। या फिर आपकी ट्यूब है, अगर ट्यूब के अंदर कलर नहीं है तो नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर होती है, तो ये ट्यूब के अंदर कलर दे के आप फिर से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1 साल से भी ज़्यादा। और ये ट्यूब थोड़ी सी महंगी मिलती है और इसके अंदर कलर भी नहीं रहते, तो इसलिए मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको करना है, बहुत आसान सा एक फ्लावर है। मेरा बेटा साइड पे वो खेल रहा है, मुझे बोल रहा है मम्मा सन। तो बहुत आसान है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के। वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, डार्क कलर के ऊपर हमेशा कोई लाइट कलर से करें। तो यह एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये जो हमने बॉर्डर की थी ना, तो इसके साइड पे देखिए, आपको इसके इस साइड पे बिल्कुल नहीं करना है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे उस साइड पे बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसलिए यहाँ एक और मैं कर रही हूँ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था इसलिए। तो इस तरीके से हमारी ये जो अंदर की जो डिज़ाइन है, ये हमारी बन गई है, पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसके साइड पे हम 1 इंच के से भी थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड टाइप की एक बॉर्डर होगी। तो इसके लिए मैं 2 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो राउंड ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लैट ब्रश मुझे बहुत पसंद है इसलिए, और काम बहुत जल्दी हो जाती है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। बट अगर आप एकदम नई नई पेंट करते हैं ना, तो इसके आपको थोड़ी सी मुश्किल रहेगा, तो आप ज़रूर राउंड ब्रश का यूज़ करें, 2 नंबर या 4 नंबर के राउंड ब्रश, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान सा फ्लावर है ये। एक्चुअली बंगाली दुर्गा पूजा, जो शिवली फूल, हिंदी में पता नहीं इसको कौन सी फ्लावर बोलते हैं, बट बंगाली में हम इसको शिवली फूल, जो दुर्गा पूजा के एक टाइम पे ही इस फ्लावर होती है बहुत ज़्यादा। और स्पेशली इसके लिए मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ क्योंकि और 1 महीना भी नहीं है, सामने दुर्गा पूजा है इसलिए। और ये वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये फ्लावर वाइट ही होती है।
तो ये जो गैप है ना, इसके अंदर अंदर और सारे फ्लावर करना है। तो अब इस साइड पे भी करना है सेम तरीके से। आप चाहे तो ये पहले मार्क करके भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड हो गई है, अब एक साइड बाकी है यहाँ। तो इस साइड पे भी सेम तरीके से कर लेना है। फ्लावर की साइज़ सेम रहना चाहिए। तो ये हो गई है। अब फ्लावर के सेंटर पे मैं यहाँ ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर की राउंड ब्रश से। अब देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऑरेंज कलर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं तो वाइट कलर से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी एक डॉट वाइट कलर, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इसको ब्रांचेस तो मैं ही बोल सकते उसकी तरह ही कुछ, क्योंकि मैं यह सोच रही थी कुछ अलग टाइप की कुछ डिज़ाइन दिखाओ, बट है बहुत ही आसान। तो ये देखिए मैंने सारे इस तरीके से जो करना था मैंने कर लिया है। और सेम ब्रश से अब मैं यहाँ लीव्स की पेंटिंग कर रही हूँ। और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। यस, आप इसको हाथ से वॉश करें हमेशा, और पेंट के बाद कलर करने के बाद इसको ऐसे 30 मिनट्स के अंदर तो ये अच्छे से ड्राई हो जाती है। फिर भी आप 24 आवर्स के लिए इसको इस तरीके से रख दीजिए, कुछ मत करना। उसके नेक्स्ट दिन आप बैक साइड पे, इसके रिवर्स साइड पे एक बार प्रेस कर लेना बस। और इसके बाद 24 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद अब इसको कभी भी हाथ से वॉश कर सकते हैं। कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट या शैम्पू या फिर इजी के साथ आप इसको हाथ से वॉश करें, कभी भी मशीन के अंदर ना डालें और इसके ऊपर कभी भी प्रेस ना करें, हमेशा इसकी बैक साइड पर प्रेस करें। तो देखिए अब यहाँ ऊपर की तरह छोटी छोटी डॉट करके आप इसको इस तरीके से छोटी छोटी लीव्स बनानी है। ये छोटी छोटी वर्क ही काम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो इस टाइप की छोटी छोटी वर्क को ज़रूर ट्राई करना। आपको देख के किसी को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देख सकते हैं, ये है आफ्टर कंप्लीट, है ना बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।